सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो पर कभी किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो हर कोई पूरी कर सकता है पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जीवन में कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, मन से अभ्यास करने से हर कार्य संभव हो जाता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। आज का पंचांग 10 जून 2021, दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 4:22 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 11:44 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:06 से 3:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर रात्रि 1:10 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। मेष राशि 10 जून 2021, दिन गुरुवार, कानूनी मामले भी आपका ध्यान चाहते हैं। आपको खरीद या अनुबंध के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुलाया जा सकता है। आत्मविश्वास से कार्य करें और उन लोगों से सलाह लें जिन पर आपको विश्वास है। विचार विमर्श और बातचीत महत्वपूर्ण है। एक नया अवसर आपका इंतजार कर रहा है। आज अपने परिवार से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। विभिन्न तरीकों से आपकी रचनात्मकता लोगों तक पहुँचेगी। हर चीज की अधिकता भी अच्छी नहीं होती, इसलिए संतुलन बनाकर रखें। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हार इसमें है कि खुद हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। परिस्थितियां अनुकूल है, आध्यात्मिक तथा अध्ययन संबंधित कार्यों में भी बेहतरीन समय व्यतीत होगा और मानसिक सुकून भी महसूस करेंगे। राजनीतिक तथा सामाजिक कार्य में भी आपका योगदान रहेगा। अपना वर्चस्व बढ़ाने का यह उत्तम समय है। जो बात आपने ठान ली है उन पर कायम रखने के लिए कोशिश करनी होगी। अपने ध्यान को विचलित ना होने दें। मन में तरह तरह के विचार उठने के कारण किसी भी एक बात पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा। फिलहाल आपका एकमात्र लक्ष्य केवल आपका काम और करियर होना चाहिए। काम से संबंधित आपको दी गई जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की कोशिश करनी होगी। अभी किए गए काम पर कई सारी बातें और लंबित हैं, इस बात का ध्यान रखें। रिलेशनशिप से संबंधित बातों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। सावधानियां, तुरंत गलत प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। बिना मतलब कोई बदनामी या झूठ आरोप लगने जैसी स्थिति बन रही है। गुस्से की बजाय धैर्य और संयम बनाकर रखना उचित है। विद्यार्थी पढ़ाई के अलावा अन्य जानकारियां भी हासिल करें। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें। अपने अनुभव और योजनाओं से आप इस समय सफलता के शिखर पर हैं। लव लाइफ में आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की भी जरूरत है। मिलन के योग बन रहे हैं, किंतु अगर आप अपनी पार्टनर को लेकर आश्वस्त नहीं है तो एक बार फिर से सोच लें, काम आ सकती है। आज आप अपने परिवार और विशेष लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं तो आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपने आप को खुशी प्रदान करें। इन खुशियों को अच्छे से समेट लें, किंतु आवेश में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। बात करती हैं करियर की।
आज व्यवसाय या कार्य संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और अपने अनुभवों का सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। अगर अपने कार्य या कार्यस्थल से संतुष्ट नहीं है तो यह समय है बदलाव का। नए वातावरण का परिवेश आपको भौतिकवादी सुरक्षा और राहत प्रदान करेगा। आज आपके प्रयास, मूल्य और दृढ़ संकल्प आपको एक अलग पहचान दिला रहे हैं। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों से बातचीत करने की हर कोशिश करेंगे और उन्हें अपने सूझबूझ से प्रभावित करेंगे। आप आज नए चुनौतियों और अवसरों का भी पूरा फायदा उठा सकते हैं। कुछ बड़ा सोचें और करें क्योंकि भाग्य आज आपके साथ है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा परंतु एसिडिटी की समस्या फिर अनियमित खान पान की वजह से हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें, अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को गेहूं का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।